नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है उत्तर भारत का विशाल मैदान। इस मैदान का विस्तार हिमालय पर्वत की दक्षिण में है। इसकी गणना संसार के सर्वाधिक उपजाऊ एवं सघन जनसंख्या वाले मैदानों में की जाती है। इस मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण असम स्थित पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी सीमा का निर्धारण पाकिस्तान द्वारा होता है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के पहले इसे गंगा सिंधु का मैदान के नाम से जाना जाता था। हिमालय से निकलने वाली नदियों जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कोसी आदि तथा प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियाँ जैसे सोन, चंबल आदि के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमा होने से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। पूर्व से पश्चिम तक विशाल मैदान की लंबाई लगभग 2414 किलोमीटर तथा चौड़ाई 145 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक है। यह मैदान दूर दूर तक समतल दिखाई देता है। इसका ढाल पश्चिम की ओर बहुत मंद है। इस मैदान का क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। विशाल मैदान के अधिकतर क्षेत्रों में बाढ़ आती रहती है, जिससे मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। इसी उर्वरता के कारण यह मैदान विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ मैदानों में गिना जाता है। यह मैदान मुख्य रूप से उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम राज्यों में फैला हुआ है। आइए अब हम जानते हैं विशाल मैदान के भौतिक विभाग। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के निक्षेपण और निक्षेपण के फलस्वरूप विकसित धरातलीय उच्चावच के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर इस मैदान को चार भागों में बांटा जाता है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। चलिए जानते हैं भाबर प्रदेश। शिवालिक पर्वत प्रदेश के गिरिपथ प्रदेश में अर्थात पहाड़ के बिल्कुल निचले वाले हिस्से में सिंधु नदी से तिस्ता नदी तक 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के विस्तार को भाबर प्रदेश कहते हैं। जब नदियां पर्वतीय प्रदेश को पार करके मैदान में प्रवेश करती हैं तो ढाल कम हो जाने से उनका वेग भी धीमा पड़ जाता है। इसी कारण नदियां अपने साथ लाए गए अवसाद को अर्थात बड़े बड़े पत्थरों व बजरी को यहाँ जमा कर देती हैं। अनेक छोटी छोटी नदियां इस अवसाद के नीचे विलुप्त हो जाती हैं। अर्थात भाबर प्रदेश की नदियों का जल कंकड़ पत्थरों के नीचे नीचे बहता रहता है, जो ऊपर से दिखाई नहीं देता है। केवल बड़ी नदियों का ही जल ऊपर दिखाई देता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि भाबर प्रदेश में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। तराई प्रदेश। इसका विस्तार भाबर प्रदेश के ठीक दक्षिणी भाग में है। भाबर प्रदेश की विलुप्त नदियां यहाँ पुनः दिखाई देने लगती हैं। ये नदियां एक दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहते हैं। पहले यहाँ घने जंगल और जंगली जीव जंतु पाए जाते थे, परंतु अब अधिकांश क्षेत्रों में कृषि कार्य होने लगा है। बांगर। यह प्रदेश पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह मैदान का वह ऊंचा उठा हुआ भाग होता है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। इस प्रदेश में चूनीदार निक्षेप या कंकड़ पाए जाते हैं। बांगर प्रदेश का विस्तार मुख्य रूप से
दो नदियों के बीच के भागों में पाया जाता है, जैसे गंगा यमुना का दुआब एवं सतलज का मैदान। खादर प्रदेश, यह मैदान का वह निम्न भाग है जहां प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ के कारण नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव हो जाता है, जिसके कारण ये भाग अत्यंत उपजाऊ हो जाते हैं। ये कृषि के लिए श्रेष्ठ प्रदेश होते हैं। इस प्रकार बांगर और खादर मिलकर जलोढ़ मैदान की रचना करते हैं। अभी तक आपने मैदान की भौतिक विभाजन अर्थात बांगर, खादर, तराई आदि को जाना। अब आगे हम जानते हैं कि इस मैदान का प्रादेशिक विभाजन किस प्रकार से हुआ है। यह मैदान मुख्य रूप से तीन नदियों सिंधु गंगा तथा सतलज के द्वारा निर्मित है। अब हम ये देखेंगे कि किस प्रदेश के अंतर्गत कितना मैदान आता है और उसमें कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो आइए जानते हैं। विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। क्षेत्रीय आधार पर विशाल मैदान को अनेक भागों में बांटा गया है, जैसे पंजाब का मैदान। इस मैदान का विस्तार पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों में है। इसकी रचना सतलज, व्यास, रावी, यमुना आदि नदियों के द्वारा निक्षेपित अवसादों के फलस्वरूप हुई है और यह पूरी तरह से समतल है। इसका क्षेत्रफल 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस मैदान के उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियां तथा दक्षिण में थार का मरुस्थल स्थित है। इस मैदान की विशेष बात यह है कि इसमें पंच दोआब क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे गंगा यमुना नदियों के मध्य दोआब, व्यास सतलज नदियों के मध्य बिस्त जलंधर दोआब, व्यास रावी के मध्य बारी दोआब, रावी और चिनाब के मध्य रचना दोआब, चिनाब तथा झेलम के मध्य छाज दोआब। अब गंगा का मैदान। इस मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में है। इसका निर्माण गंगा तथा इसकी सहायक नदियों जैसे यमुना, रामगंगा, गंडक, घाघरा, गोमती, सोन तथा कोसी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेप से हुआ है। इसे गंगा का मैदान कहते हैं। इसका क्षेत्रफल 357,000 वर्ग किलोमीटर है। गंगा के मैदान को तीन भागों में बांटा गया है। पहला, ऊपरी गंगा का मैदान। इसका विस्तार पूर्व में घाघरा नदी से लेकर पश्चिम में यमुना नदी तक विस्तृत है। यह मैदान पश्चिम में दिल्ली से लेकर पूर्व में इलाहाबाद तक फैला हुआ है। दूसरा, मध्य गंगा का मैदान। यह इलाहाबाद से भागलपुर तक लगभग 1,62,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इस भाग में पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान आते हैं। यह दोमट मिट्टी तथा जलोढ़ मिट्टी से बना है। तीसरा है, निम्न गंगा का मैदान। पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इसकी रचना गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाई गए डेल्टा के द्वारा हुई है, जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। यह संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। राजस्थान का मैदान। इसका विस्तार अरावली पर्वत के पश्चिम से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक है। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है, जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। अब अंतिम है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह मैदान असम में ब्रह्मपुत्र की घाटी में विस्तृत है। पश्चिमी भाग को छोड़कर यह सभी दिशाओं में पर्वतों से घिरा हुआ है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र, दिबांग,
लोहित, सेसीरी आदि नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी के कारण हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।